हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो टेकन 8 का लॉ का ट्रेलर आ चुका है, और पॉल का ट्रेलर देखने के बाद मुझे पता चल गया था कि अगला ट्रेलर लॉ का आने वाला है। बट मुझे ये नहीं पता था कि ये इतना जल्दी आ जाएगा। बट जो भी है, जितना जल्दी ट्रेलर आए हमारे लिए उतना बढ़िया। सो लेट्स वॉच इट, देखते हैं टेकन 8 में लॉ कैसा है। वैसे हमें लॉ की फुटेज पहले भी दिख चुकी है, बट इसमें हमें डिटेल में पता चलेगा उसके मूव्स वगैरह के बारे में, इंट्रो पोजेस, आउट्रो, और हाँ टैगलाइन भी, जो कि हर ट्रेलर में हर कैरेक्टर की दिखाई जाती है। देखते हैं लॉ की टैगलाइन क्या है। द लेजेंडरी ड्रैगन, तो टेकन 7 वाला इंट्रो है। माशाल्लाह यार, ये अनाउंसर कुछ अलग ही है। और यार फेशियल एक्सप्रेशंस टेकन 8 के सारे कैरेक्टर्स के बहुत बढ़िया है। अभी तक जितने भी करेक्टर देखने को मिले हमें सबके बढ़िया हैं। पैरी और ननचक्स भी यूज़ करता है टेकन 8 में, बढ़िया। नीना गन्स यूज़ कर रही है, लॉ ननचक्स यूज़ कर रहा है, जिनके पास डेविल पावर है। और ये फुटेज हमें पहले ट्रेलर में देखने को मिली थी, उस टाइम पे लॉ पहचान नहीं रहा था, कुछ अलग ही लग रहा था, ल्यू कैंग जैसा। बट टेकन 8 का लॉ बिल्कुल अलग ही है यार, सच बता रहा हूँ। टेकन 7 से बिल्कुल डिफरेंस, और प्रीवियस टेकन गेम से मैं डिज़ाइन और मतलब दिखने विजुअली बात कर रहा हूँ, विजुअली बिल्कुल डिफरेंट लगता है लो इसमें। वो हीट इंगेजर, बालकनी ब्रेक, रेज आर्ट, इसका तो रेज आर्ट पहले भी देख चुके हैं हम। ओवरऑल बढ़िया है इसका रिजल्ट, सच बता रहा हूँ। और फेशियल एक्सप्रेशन यार सच में, ये देखो रिजल्ट तो बढ़िया है लॉ का, टेकन 7 वाले रिजल्ट से तो बहुत बढ़िया है। फेशियल एक्सप्रेशन तो यार ये देखो आप, कितने अमेजिंग लग रहे हैं सारे कैरेक्टर्स के, चाहे वो जिन हो, काजुया हो, पॉल हो, अब ये लॉ के भी देख सकते हो आप। अमेजिंग यार, सारे ट्रेलर बढ़िया है जितना है अभी तक। सो गाइस, यही था लॉकर ट्रेलर। आई होप कि आपने मेरा रिएक्शन एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।